स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो अभी हमने सोचा था 2 बजे हम उधर जाएंगे गोल्डन टेम्पल, क्योंकि अगर हम सुबह जाएंगे तो उधर बड़ा ज़्यादा रश होगा और हमें दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सोचा कि हम रात को 2 बजे जाएंगे, मगर अभी तक हमने सोचा पहले एक दो घंटा सो लेंगे, मगर अभी तक सोए नहीं है। इनकी वजह से कब से खप डाली हुई है, हम तब से गप्पे लगा रहे हैं, तब से मैंने ब्लॉग बंद किया तब से हम गप्पे लगा रहे हैं। तो अभी टाइम तो हो गया, 2 बज गए हैं। अभी हम बस निकलने नहाने हैं और फिर उधर उसके बाद निकल जाना है हमने। मतलब अभी हम बैठे थे और गप्पे लग रही थे हमारे बीच, इतने देर सुमित बोलता मैं भी ब्लॉग बना सकता हूँ, तू क्या बना रहा है। मैंने बोला चल कोई नहीं बना, तू भी अभी मैं डालूंगा अगला पार्ट डालूंगा। वो सुमित ने बनाई है वीडियो, वो बोल रहा है मैं भी अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। सुमित अपने चैनल का क्या नाम रखेगा तू? ये इसके चैनल का नाम होगा, इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर ये मेरे को लग, कब तक बनाएगा तुझे चैनल? ये बना देगा। हाय गाइस, माय सेल्फ सुमित शर्मा। और आज मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फेमस हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम अब हम भी करें। हो गया, अब हम नहाने जा रहे हैं। सुमित तू जाएगा पहले, मैं जाऊँ? ओके मैं जाता हूँ पहले, मैं सुमित आपको कैसा लगा अमृतसर में आके? तो भी मैं ना बैठा हूँ, तो भी बस इनका वेट है, ये नहाएंगे फिर हम निकल जाएंगे। इस वक्त रात के बज रहे हैं 2:15। तो अभी हम मतलब आज रात तो मैं सोया ही नहीं, सोच रहा हूँ आज रात भी नहीं सोया, कल रात को भी नहीं सोया है कि कल हमारी ट्रेन होगी, परसों का हमारा कहीं और का प्लान है, परसों भी नहीं सोया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब बस हम निकलने वाले हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ, तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। तो अभी हम निकल चुके हैं, मतलब रास्ते में हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। इस वक्त रात के बज रहे हैं 3, थोड़ा हम कमरे में लेट हो गए थे, तो अब आपको उधर जाके ही मिलते हैं। A few moments later. मतलब दर्शन करके आ गए हैं, मगर अंदर जो हालत हुई हमारी बुरी, इतना रश। शक्ल देख के बता सकते हो हम पूरे दिन सोए नहीं हैं। तो अभी सोच रहे हैं घर कमरे में जाएं और सीधा सो जाएं, और आगे पीछे देखे सीधा सो जाएं। तो अभी कमरे में जाके मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं कमरे में पहुंच चुका हूं, अब बस एक ही काम है, बेड मिले और सो जाऊंगा मैं, क्योंकि बाकी सारे काम बाद में, रोटी शोटी बाद में, अब सिर्फ सोना है, क्योंकि पूरी रात का सोया नहीं हूँ। तो अभी उठ के मिलते हैं। तो अभी हम सोए थे मगर अभी उठ गए हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है इस वक्त 12:30 बज गए हैं। तो अभी हम निकलने वाले हैं, क्योंकि फिर उधर पहले कोई टिकट करवानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी के लिए आने और जाने के लिए जिसका किराया पता नहीं कितना लगेगा, वही अब जाना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि 4 बजे शो शुरू हो जाएगा। आज है बड़ा ज़्यादा रश, हम गोल्डन टेम्पल में गए थे उधर तो मतलब कि खड़े होने की जगह नहीं थी, धक्के चल रहे थे ज़बरदस्त हिसाब से, क्योंकि अब बड़ा ज़्यादा रश था। एक तो छुट्टी थी, एक भी हम निकलने वाले हैं। तो इसके बाद अभी तक तो हमारा मतलब उसके बाद अभी तक तो हमारा कोई प्लान है नहीं, कहाँ जाने का, कहाँ जाना है या कहाँ नहीं, तो देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी हम थोड़ी देर फ्री थे, तो हम जलियांवाला बाग आए हैं। तो अभी हमने टिकट कटवाई थी, तो हमारी गाड़ी जाएगी कोई 2:30 बजे, कितने बजे जाएगी? 2 बजे जाएगी। तो हम आधा घंटा था हमारे पास, तो हम जलियांवाला बाग आ गए, क्योंकि पास में ही था वो। तो अभी बस इतने फोटो खिंचवाए, इतने फोटो खिंचवाए कि आपको बता नहीं सकते। हाँ, आशिक किसने किसने खिंचवाए सबसे ज़्यादा फोटो? बता दें बिल्कुल नहीं यार, सुमित ने इतने फोटो खिंचवाए, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं है। अब बता देते ना कैसे, अब महीने का कोटा पूरा हो गया इसका। अब मैं, मेरा दोस्त लक्ष्य अब्रोल है, उसकी तरह बनूंगा, आरसी पे जाएगा महीने का, पर एक फोटो डालेगा। लक्ष्य देख रहा होगा, बोला लक्ष्य देख ले क्या बोल रहा है तेरे लिए। आशीष तो अब हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी निकलने वाली है बाघा बॉर्डर की तरफ। आशीष ब्रो
आशीष ब्रो। सो गाइस नाउ मैं आपको करने के बाद बॉगा बॉर्डर, वो भी बेलपूरी खा रहे हैं, तो इसके बाद अंदर चले जाएंगे अभी हम। तो हम अटारी बॉर्डर आ गए, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। हमने इधर पानी की बोतल शॉटल ली और बेलपूरी खाई, अभी हम बस जा रहे हैं अंदर। बड़ी ज़्यादा गर्मी और बड़ा ज़्यादा रश है इधर। मेरे साथ ये दोनों बैठ गए हैं, बहुत बुरी गर्मी। बड़ा ज़्यादा रश था अंदर, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो अभी हमने बाज़ार घूमने, अभी थोड़ा सा तो थोड़ी सी सीनरी दिखा देते हैं आपको। दिखा दिए मैंने, मोबाइल दिखा दे। ऑटो की तरफ जा रहे हैं सुमित ब्रो के साथ, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं अपना ऑटो। सुमित भाई बोला था गोला खाना है, गोला मगर हमने खाया दो दिन, मतलब उसमें सिर्फ चीनी डाल के दे देते हैं, तो अभी मन नहीं करता हमारा खाने के लिए। तो अभी पीछे वाली सीट पे बैठ गए हैं निकलने के लिए, क्योंकि अब हम हवा लेना चाहते हैं ठंडी ठंडी। तो अभी हम आधे रास्ते में पीछे बैठे हुए जा रहे हैं आशीष ब्रो। वापस गोल्डन टेम्पल की तरफ आ चुके हैं, अब उनका प्लान है लंगर खाने का, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं लंगर खाने के लिए। तो अभी हम लंगर शंगर खा के आ गए हैं, तो अभी जा रहे कमरे में। हमारी रात के 1:30 बजे की ट्रेन है, तो अभी हम स्मार्ट 12:40 है पक्का पता, तो 12:40 पे ट्रेन। तो अभी हम कमरे में जाके सामान पैक करेंगे और निकल पड़ेंगे। सुबह हम 6 बजे जम्मू पहुंचेंगे, फिर हमारा उधर से कहीं और का प्लान है, तो वो आपको कल ही पता लगेगा कहाँ कहाँ है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी हम मतलब कमरे से वापस बाज़ार में जा रहे हैं, सोच रहे हैं इधर के पापड़ बड़े मशहूर हैं, वो ले लेते हैं। तो अभी देखते हैं, जा रहे हैं बाज़ार में। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं कमरे में, मगर इस वक्त हालत है बुरी, क्योंकि सोए हुए मतलब जब से हम आए हैं ना तब से, मतलब डंकी नहीं तो हमने ली नहीं है, पूरे दिन के यही 1-2 घंटे सोते हैं। तो अभी बस हमारी 1:30 बजे की ट्रेन है, तो बस उस पर चले हैं। अभी हम इधर से निकल जाएंगे कोई, मेरे को लगता है 12 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि 1:40 की ट्रेन है, फिर पैदल जाना हमने रेलवे स्टेशन तक, तो उधर पत्नी कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, इसलिए तो आज बुरी हालत हो गई। आपने देखा ही होगा पूरी वीडियो मैंने जो बनाई हुई है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब निकलते हैं इधर से। नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, आज का ब्लॉग इधर तक ही रखता हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।